भारत की सबसे सफल सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है उसका न्यू मॉडल इसे कहा गया है। मैं इसका डीजल मॉडल चला रहा हूँ, पेट्रोल मॉडल कभी और चलाएंगे। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसएन स्टूडियो। और आज हम जानेंगे व्हाट आर द बिग पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द टाटा नेक्सॉन न्यू मॉडल। जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये नया मॉडल ऑफ टाटा नेक्सॉन कहा गया। अब अगर आप लुक्स की बात करोगे ना, तो आपको लगेगा कि भैया हाँ, ये न्यू जनरेशन है। बट यूजुअली जब आप न्यू जनरेशन करते हो तो प्लेटफॉर्म में चेंजेस या कई चीज़ें आप जो देखने को मिलता है कि प्लेटफॉर्म में चेंजेस होंगे या पावर ट्रेन में चेंजेस होंगे या नए पावर ट्रेन इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, वैसा कुछ होगा। वैसा एक्चुअली नहीं किया गया। इट्स एग्जैक्टली द सेम प्लेटफॉर्म, सेम पेट्रोल डीजल इंजन, तो वो चीज़ों में कोई बदलाव नहीं किया गया। बट लुक्स की अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ नहीं, इनफैक्ट सब कुछ इन्होंने बदल दिया है। वैसे नेक्सॉन हमेशा से उन गाड़ियों में से रही है जो बहुत ही ज़्यादा बिजी डिज़ाइन लैंग्वेज वाली रही है। क्या इस बार भी बिजी है? येस, देर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स गोइंग ऑन, बट आई समहाउ लाइक इट्स फ्रंट जो है इसका ज़्यादा बेहतर लग रहा है जो पुराने वाले मॉडल से अगर कंपेयर करोगे उससे। ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये LED DRLs हैं। एक आदमी ने, किसी ने प्रीव्यू वीडियो बनाया था, बोल दिया था कि ये हेडलैम्प है, इससे तो लिटअप होगा नहीं। ठीक है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, छोड़िए उसके बात नहीं करते हम। ये DRLs है, ये याद रखिए आप। हेडलैम्प जो है वो यहाँ पोजीशन किए गए हैं। जो असेंबली है वो बहुत छोटी है, कैसा थ्रो है वो रात में चला के पता पड़ेगा, बट LED प्रोजेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। फॉग लैम्प जो है वो भी LED आपको मिल जाता है। और ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअली जो है, मतलब स्पेशली दिस इज एन ऑरेंज कलर, और उसके बाद में जो ब्लैक का इस्तेमाल है वो ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल किया है, जो कि ये पहले भी करते आए हैं। और ये ओवरऑल लुक जो है थोड़ा सा कर्व जो है उससे इंस्पायर्ड लगता है, स्पेशली ये जो ट्रीटमेंट है ये कर्व इंस्पायर्ड लगता है, जो कि मुझे पर्सनली इस गाड़ी के साथ में ज़्यादा अच्छा लग रहा है प्रीवियस मॉडल से। फिर आपका जो बम्पर है, मतलब ये जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर कलर की दी गई है, सो ऑल ऑफ दैट इज बीन टेकन केयर ऑफ। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे मैं ज़्यादा खुश हूँ, वो ये कि फ्रंट पार्किंग सेंसर आ गए हैं। दो ही दिए गए हैं, ठीक है थोड़ी कटौती की गई है, बट दिए तो गए हैं दो फ्रंट पार्किंग सेंसर। 360 डिग्री कैमरा मॉड्यूल है, दैट मीन्स फ्रंट में आपके लिए एक कैमरा लगाया गया है, फिर साइड में कैमरा लगाया गया है ORVM से, और पीछे कैमरा लगाया गया, तो 360 डिग्री व्यू दिया गया है और बहुत ही शानदार है। अंदर जाएंगे तब बताऊंगा कि क्यों शानदार है। ओवरऑल ज़्यादा सॉर्टेड फ्रंट डिज़ाइन मुझे इसकी नज़र आ रही है। साइड से आपको ऑफ कोर्स जो एग्जिस्टिंग नेक्सॉन है वो नज़र आएगी, वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया गया, तो आप बेसिकली जो चेंजेस है, मेजर जो चेंजेस है वो फ्रंट और रियर में ही कर पाते हो। जो ओवरऑल शेप है गाड़ी का, जो बनावट है, वो आपको एग्जिस्टिंग नेक्सॉन की जैसी नज़र आएगी। बट एक चीज़ जो बहुत अच्छी की है इन्होंने शुरू में, यहाँ पर वाइट सेरेमिक एक पट्टी थी, अभी भी जो EV आता है उसके अंदर ब्लू कलर का आता है। वैसे EV में भी चेंजेस होंगे डिज़ाइन वाइज, थोड़े दिनों में चलाएंगे अभी हम, बट ये ब्लैक कलर के साथ में ज़्यादा बेहतर लग रही है, बहुत ज़्यादा बिजी नहीं लग रहा है। पहले वाली डिज़ाइन एक्सट्रीमली बिजी, कलर्स के साथ में बहुत कुछ करने की कोशिश वो की गई थी, बट ओवरऑल शेप जो है वो सेम यहाँ पे दिया गया है। अलॉय व्हील्स का जो साइज़ है वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। दैट मीन्स 215/60R16 ये टायर आपको मिलेगा। और ये जो अलॉय व्हील्स है ना, ये थोड़ा सा वियर्ड डिज़ाइन है, ये काफ़ी EV-ish डिज़ाइन है। तुम्हें लगता हो सकता है कि EV के साथ भी ये सेम ही अलॉय व्हील दे दिया जाए, बट ये EV के जैसा डिज़ाइन लग रहा है। वैसे वाले डायमंड कट सॉर्ट ऑफ जो हैं वो नहीं दिए गए हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्या इस वजह से जिससे कि स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, EV वाले भी वैसी ही डिज़ाइन हो और इनकी भी ऐसी डिज़ाइन हो, क्योंकि फ्यूचर उसी तरफ जा रहा है, सो दैट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। तो जब आप नेक्सॉन को फ्रंट से देखोगे तो आपको लगेगा कि डेफिनेटली मच मच बेटर हो गई है ये पुराने वाले मॉडल से, बट रियर आते आपको लगेगा नहीं यार, ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, दिस इज़ टू बिजी, दिस इज़ टू मच गोइंग ऑन। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक द रियर डिज़ाइन एट ऑल। मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा i20 की इंस्पिरेशन मिलेगी, हालांकि इन्होंने कोशिश वो फैमिली लुक देने की कोशिश की है हैरियर जैसा, बट हैरियर इज़ अ प्रीटी बिग कार, सिग्निफिकेंट लगती है, उसके साथ में ऐसा वाला ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर लगता है। ये कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ टेल लाइट आपको दी गई है, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट अगैन बहुत ही ज़्यादा बिजी, ये कम्प्लीटली अलग शेप आ रही है। फिर यहाँ पे क्लैडिंग जो है वो ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है साइड के मुकाबले, मतलब ये जो बम्पर है इसमें जो ब्लैक पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। स्किड प्लेट दी गई है, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, जो कि हमेशा से नेक्सॉन की एक पहचान रही है, एंड नॉट इन द गुड वे, इन द बैड वे, तो वो चीज़ यहाँ पे भी नज़र आ रही है। इट इज़ स्टिल वेरी वेरी बिजी, इतनी छोटी सी जगह में बहुत कुछ किया गया है, मेरे हिसाब से रादर सिंपल रखते हैं तो वो सिग्निफिकेंस आपको नज़र आती है। जैसे कि अगर आप ब्रेज़ा देखोगे तो ब्रेज़ा
ज़्यादा बड़ी लगती है। इनफैक्ट वो कई बार कुशाक के साथ भी खड़ी होती है तो उससे बड़ी नज़र आती है। इस गाड़ी के साथ आपको लगेगा अरे तो छोटी नज़र आ रही है, मतलब ऐसा लगेगा यार पंच के बराबर तो नहीं है ये, क्योंकि काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है। और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि भैया यहाँ तो बुरी कहानी चेंज हो गई है। कलर कॉम्बिनेशन वाइज बात कर लीजिए या ओवरऑल लेआउट वाइज बात कर लीजिए, डैशबोर्ड कम्प्लीटली नया है। आप ये लेयरिंग जो है पहले वाली मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा बिजी लगती थी, अननेसेसरी वो ग्लॉसी का इस्तेमाल करते थे। इनफैक्ट ये अल्ट्रॉज में भी करते हैं, नेक्सॉन में भी करते हैं, जो कि कई बार अगर रिफ्लेक्शन आता है सूरज का तो वो चुभता है आँखों में, वो यहाँ पे नहीं है। मटेरियल सिलेक्शन थोड़ा सा बेटर है, ये फॉर कार्बन फाइबर फिनिश देने की कोशिश ऑफकोर्स इन्होंने की है। फिर ये जो टॉप है दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक बट फिनिश्ड रियली वेल, यहाँ पे सॉफ्ट टच का हल्का सा इस्तेमाल हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट टच है जो स्ट्रेचेस आपको नज़र आ रही है। फिर ये जैसे मैंने बोला कि फॉर आपके लिए कार्बन फाइबर फिनिश की दी गई है, और ये सेल्फ पैटर्न है, यहाँ पर भी एक अलग तरीके का टेक्सचर यूज़ किया गया है। सो ओवरऑल इट्स अ कम्प्लीटली न्यू लेयर, लुक्स मच मच बेटर, ज़्यादा बेटर एज करेगी। और ये एकदम नई टच स्क्रीन आपको मिलती है जो कि 10.25 इंच की टच स्क्रीन है, और एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी बहुत अच्छे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती है। हालांकि टच रिस्पांस जो है वो अभी भी उतना ज़्यादा स्मूथ एक्चुअली नहीं लग रहा है। रुकिए, जैसे कि मैं अगर ये होम पे भी करूँगा तो थोड़ी देर बाद में रिस्पॉन्ड करेगा, ये कोई भी चीज़ को अगर आप टैप करोगे थोड़ी देर बाद में ये रिस्पॉन्ड करता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वो वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टच रिस्पॉन्स आई विश थोड़ा सा बेटर हो जाता। एक चीज़ इन्होंने हैपा फिल्टर यूज़ किया है जिसकी वजह से AQI जो है मतलब प्योर एयर प्योरिफिकेशन करता है। अब ये बहुत सारी कंपनियां ऑफर करती हैं, मेरी कितना साइंटिफिकली प्रूवन है नहीं प्रूवन है वी डोंट नो इट यट, बट इन्होंने भी दे दिया है और दिखा रहा है कि AQI 68 है। धीरे धीरे कम होता रहेगा, ज़्यादा एयर प्योरिफिकेशन ये कर देगा। ऑन करना ऑन कर सकते हो, कुछ और विजेट्स आपको ऐड करनी हो ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें दी गई है, क्लैरिटी इसकी ज़्यादा बेटर है पुराने वाले से। एक और चीज़ जो इन्होंने टच की है वो है ये पूरा पैनल कम्प्लीटली टच रिस्पॉन्सिव है। अब इनमें कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें नहीं है। अब ये इसके लिए टच की क्या ज़रूरत थी आपको, मतलब मुझे साउंड में नहीं आया, दिस इज़ टू डिस्ट्रैक्टिंग। ये बटन पहली बात तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए जो आपके हज़ार्ड लैंप का बटन है, इज़ टू डिस्ट्रैक्टिंग। और टच है तो यू हैव टू मेक श्योर कि अच्छे से टच हो। अब ये आपको फॉग लैंप ऑन करना है तो उसके लिए यहाँ पर भी आप यहाँ पर दिया गया है, वाई डू यू वॉन्ट इट हियर, आई डोंट गेट इट। दूसरी चीज़ लॉक अनलॉक का बटन जो है वो भी टच सेंसिटिव अब हो गया है। 360 डिग्री वगैरह समझ में आता है कि आपको कभी कभी काम आएगा। आप ये चीज़ की बात मैं आपको बता रहा था जब मैं बाहर था कि 360 डिग्री कैमरा जो है इसका, दिस हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट फॉर श्योर। 2D आपको ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें ये दिखाएगा कि राइट में कौन है, लेफ्ट में बाबा जी सो रहे हैं, तो वो चीज़ आपको दिखा रहा है। फिर 3D आप कर सकते हो, अब 3D से आप देखिए आसपास में क्या है, बाबा जी हैं और हम एक्चुअली एक पुलिया के नीचे हैं। तो आपको ये कैमरा मतलब अच्छी खासी क्लैरिटी तो है ही है, ऑफकोर्स पूरा नहीं दिखाएगा, पूरा टॉप पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बादल दिखाने लग जाएगा कि वो डिफ़ॉल्ट होता है, बट ये एक प्रीमियम फीचर है जो कि हमने प्रीमियम कार्स में देखा है। रियली रियली वेल डन टू बी ऑनेस्ट। उसके अलावा ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपको एग्जिस्टिंग जो नेक्सॉन है उसी की याद दिलाएगा। मोड्स भी जो हैं, मोड्स वाला जो डायल है, इनफैक्ट जो रोटरी डायल है वो भी एग्जैक्टली सेम है, इसमें भी आपको वही 3 मोड मिलते हैं। फिर वायरलेस चार्जर जो है उसका इंक्लूजन आपको मिल गया है, और ये चप्पल प्रो मैक्स जितना बड़ा भी आपके पास फ़ोन है तो आप इजीली रख सकते हो, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे लग जाएगा, तो ये सब चीज़ें, ये वाली चीज़ जो है वो फिर भी आपको सिमिलैरिटी लगेगी, बट एक और चीज़ की सिमिलैरिटी मिलेगी और जो कि डेफिनेटली इम्प्रूव होनी चाहिए थी। ये देख रहे हो, दिख रहा है आपको अमित, आपको दिख रहा है, ये देखो, मतलब फिट एंड फिनिश लेवल्स क्यों किया गया है ये देखो, ये मतलब कुछ भी हिल रहा है, ये वाला पार्ट, क्या लॉजिक है इसका। थोड़ा सा बेटर क्वालिटी, थोड़ा सा बेटर फिनिश आप कर देते हो तो मज़ा आ जाता, बट ये हमेशा ऐसा रख ही देते हैं। फिर आप इसको ओपन करते हो तो ये मैग्नेट जो है, ये जनरली मैंने देखा है बहुत सारी गाड़ियों में इनकी, ये ना बाद में इसका जो इफेक्ट है वो कम होने लग जाता है, तो ये भी थोड़ा बेटर करना चाहिए था। कुछ प्रॉपर मैकेनिकल कोई चीज़ बना देते या एक और मैकेनिज्म दे देते जिससे कि खराब होने का डर थोड़ा सा कम रहता है। ये एडजस्ट नहीं होती, फिक्स रहती बाय द वे, बट आर्मरेस्ट आपको दिया गया फॉर श्योर। फिट एंड फिनिश लेवल्स की बात कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अलग तरीके से पैनल, तो मतलब ये जो गैप है ये अलग है, ठीक है, ये थोड़ा हिल रहा है, चलो ठीक है उसको छोड़ते हैं, बट अगर आप यहाँ पे आओगे
तो यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर फिनिश है। तो ये और इसमें ही बराबरी नहीं है, तो कंसिस्टेंसी कब आएगी मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मॉडर्न ऑटोमोटिव्स हैं ये, मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स हैं, और बहुत साल से ये लोग गाड़ियाँ बना रहे हैं। 25 साल हो गए अपेरेंटली, 50 लाख गाड़ियाँ भेज दी है, बट उसके बाद भी वो कंसिस्टेंसी ऑफ जो पैनल्स है, फिट एंड फिनिश लेवल्स है, वो आज भी शिकायत रहती है। बट कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी की गई है, जैसे कि ये जो है ना, ये आपका स्टीयरिंग व्हील, वो कम्प्लीटली नया किया गया है। इट फील्स रियली रियली ग्रेट टू होल्ड, टू बी ऑनेस्ट। ऑफकोर्स इसको आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं कर सकते। आई विश टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाता तो मज़ा आ जाता, बट ये जो चीज़ है ये बेसिकली इल्यूमिनेट होती है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, गाड़ी बंद करता हूँ, ये ऐसे लेटअप होता है, तो ये लेटअप हो जाता है, अच्छा लगता है फॉर श्योर, नो डाउट। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि एक स्क्रीन है और इस पर स्क्रीन गार्ड लगा रहे हैं ना भैया, क्योंकि हाथ जो लग रहे हैं वो बहुत बेकार लग रहे हैं, तो इस पर स्क्रैचेस ना आ जाएं, तो इसके लिए भी एक स्क्रीन गार्ड अलग से निकालना पड़ेगा। गुड अपॉर्चुनिटी, गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल जो स्क्रीन गार्ड्स बनाते हैं। एक चीज़ जो पहली बार बैठते हैं आपको नजर आएगी, कि जैसे आप चलाना शुरू करते हो, तो आप जो अगर पुरानी आपने टाटा चलाई हो, तो यहाँ से आप यूजुअली यू नो हॉर्न बजाते हो, यहाँ से या यहाँ से बजाते हो, तो यहाँ से तो बज जाएगा, बट ये क्योंकि टच सेंसिटिव है, तो यहाँ से ना बजा के आप हमेशा यहाँ से बजाओ, तो थोड़ा सा बेटर है। और सिर्फ नीचे से ही बज रहा है, ऊपर से नहीं बज रहा है। आप यहाँ से दबाओगे तो बज जाएगा, बट फिर ये फिंगरप्रिंट के जो निशान है वो आ जाएंगे। तो ये चीज़ दी गई है। एक चीज़ अच्छी है, वो जो 360 व्यू है वो आप यहाँ से भी टैप करोगे। नो एक्चुअली नहीं, मेरे को लगा था ये जो व्यू है वो 360 के लिए होगा, बट ये उसके लिए नहीं है। आप चाहो तो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो चेंज कर सकते हो। और उसी के साथ बता दूँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो शानदार लग रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। ये देखिए, अभी मेरे को इस तरीके का चीज मीडिया बीच में आ गया। स्पीडोमीटर जो है वो डिजिटली मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। ट्रिप इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी क्या है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी में एक्चुअली कोई चेंज, मतलब फ्यूल इकोनॉमी को चेंज हुआ नहीं होगा। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 9.5 दिखा रहा है, बट मुझे पता है ये वाला जो इंजन है वो 17-18 केएमपीएल की फ्यूल एफिशिएंसी इजीली देता है, 17 से 21 केएमपीएल के बीच में अगर आप बहुत अच्छे से चलाते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको दिखा देगा, ट्रिप ए ट्रिप बी जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर इसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हर टायर में कितनी टायर प्रेशर है वो आपको दिखा देगा, जो कि बहुत अच्छा है। और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है, अगर आपने मैप लगा रखे हैं तो उसकी जो है चीज़ें यहाँ पर नजर आने लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो बहुत ही मॉडर्न इसे बनाती है, फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। मेरी फेवरेट जो चीज़ है इस पूरी गाड़ी में, वो एक्चुअली इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बहुत ही अच्छा, बहुत साफ दिख रहा है, मज़ा आ गया मतलब इसको देखकर। और सीट्स की पहले बात कर लेता हूँ मैं आपको। सीट्स जो हैं वो बाय द वे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो सकती थी, स्पेशली फ्रंट सीट, फ्रंट पैसेंजर और ये वाली जो सीट, थोड़ी ऐसा लग रहा है छोटी ये सीट मुझे लगती है। जहाँ तक मुझे याद है, एल्ट्रॉस की सीट इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इनफैक्ट आई थिंक पुरानी वाली नेक्सॉन की भी इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट लेदर सीट दी गई है, परफोरेटेड लेदर है, और ये देख रहे हो आप, आपको वेंटिलेटर सीट्स का भी प्रोविज़न दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है। और ये सारा बटन जो होता है इनका मोस्ट कार्स में, वो यहीं पर देते हैं ये वेंटिलेटर सीट्स का, जो यहाँ पर दे दिया गया है। बट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो आप यहाँ पर नहीं मिलता है आपको, जो कि इसके कुछ राइवल्स जो हैं, जैसे वेन्यू में आपको मिल जाता है, सोनेट में मिल जाता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। अब एक चीज़ वो देखोगे कि ये जो आपको सन वाइज़र दिए गए हैं, ठीक है, फ्रंट में तो आप यूज़ कर लोगे, बढ़िया है, ठीक है, डिज़ाइन में अच्छे से जा रहे हैं, ये क्या है, क्यों है ये लप्पू सा है? तो ये थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। एक तो इंट्रूड करेगा, अगर आप इसको लगा लोगे साइड से कुछ आएगा तो ORVM ब्लॉक करेगा ये, और ऊपर ये टिकता नहीं है, तो ये सिर्फ फ्रंट के लिए दिया गया है। और सिर्फ ये यहीं वाला नहीं है, ये यहाँ वाला भी है। अभी देखो, ये कैमरे में दिख रहा है, ऊपर लगा दिए, ऊपर जाता ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें जो ये मिस कर देते हैं ना, थोड़ी थोड़ी क्वालिटी इशू जो छोड़ देते हैं, वो थोड़ी सी ऑफ पुटिंग है, क्योंकि अच्छा है, एक इंडियन ब्रांड बहुत अच्छा कर रहा है। आई विश ऑलमोस्ट सब चीज़ों पे ये लोग काम कर रहे हैं। एक चीज़ जो मेरी फेवरेट है वो है ऑटो डिमिंग ARVM, वो आपको मिल गया है। और ऑफकोर्स आपको सनरूफ मिलता है। मैं एक बार गाड़ी ऑन कर लेता हूँ, मस्त आवाज़ आ रही है, म्यूजिक सिस्टम के साथ में आया है, बंद करते हैं। तो ये जो इसका कवर है, इसकी फिटिंग में शायद थोड़ा सा इशू है, ये समा रहा है, तो ये शायद कहीं पर अड़ रहा है, तो फिटिंग में थोड़ा इशू हो सकता है, इस यूनिट स्पेसिफिक इशू हो, बट ये इशू यहाँ पर आ रहा है। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, मतलब जैसे पीछे खिसक गया, जब ये साथ में आता है ना तब ये करता है, थोड़ा सा आगे लेकर आएगा इसको, तो फिर आप आगे करो। और पैनोरामिक नहीं है, और मुझे लगता है किसी की कोई खास ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सनरूफ का
जो इस्तेमाल है वो अपने बच्चों को सुखाने के लिए करते हैं तो आप ना करें, कोई काम की चीज़ है नहीं। एक चीज़ शायद मैंने मिस कर दी थी, 12 पावर सॉकेट आपको मिल गया, USB टाइप ए मिल गया और 3 एम्पेयर का फास्ट चार्जर टाइप सी भी मिल गया। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं कि पीछे का क्या हाल है। राइट, अब मैं रियर सीट में हूँ और रियर सीट का हाल वैसा ही है जैसे कि पुराने वाली का था। दैट मीन्स चार लोगों के लिए कंफर्टेबल है, बीच में एक बच्चा बिठा सकते हो, तो वही चीज़ है। ऑफकोर्स ये सीट बेल्ट ऐसे लगाए हुए हैं इसलिए भी, क्योंकि जैसे आप हटाओगे तो आगे से जब आप गाड़ी चल रही होती है तो आपको आगे से कमांड जाने लग जाते हैं कि हटा लो, क्योंकि एज अ नॉर्म अभी इन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया है इसे कि सीट बेल्ट पीछे वाले मैंडेटरी लगाने चाहिए, तो उसका आपको वो जो चाइम है या जो वार्निंग है, वार्निंग साइन जो है, वार्निंग चाइम जो है, वो आपको यहाँ पे आने लग जाता है। और अच्छी बात यह है कि बीच वाला जो पैसेंजर है उसके लिए भी 3-point सीट बेल्ट दिया गया है, अ वेरी गुड एडिशन। पीछे दो लोग बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थाई सपोर्ट हल्का सा, थोड़ा सा डेफिनेटली बेहतर हो सकता था, मतलब प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले और बेहतर हो सकता था। नी रूम वगैरह ठीक है। आगे वाली जो सीट है वो काफ़ी अच्छे खासे लंबे आदमी के हिसाब से जस्टेड है, लगभग 6 फुट का बंदा यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद में मेरे पास नी रूम है, आई एम नॉट अ टॉल पर्सन बट स्टिल 5'6" 5'8" तक अगर आप होंगे, मैं 5'6" का हूँ, 5'8" तक अगर आप होंगे तो नी रूम आपके लिए ठीक ठाक है। पाँव अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हो, जगह बहुत है बाय द वे, ये वाली जो जगह है ना नीचे पाँव स्ट्रेच करने की बहुत जगह है। एक और चीज़ अच्छी की गई है कि यहाँ पर भी टाइप सी दिया गया है, टाइप ए का प्रोविजन भी है और टाइप सी का भी प्रोविजन है, और एसी वेंट्स तो पहले भी आते थे, अभी भी दिए गए हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। एक चीज़ जो मैंने फ्रंट में मिस कर दी वो ये कि आप इसको ना हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी छोड़ सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है कि सीट एक्चुअली एक तो ऊँची उठी हुई है तो अच्छा खासा कमांड आपको मिलता है, बट इसको आप एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हो। वेरी गुड एडिशन, हर गाड़ी में होना चाहिए। यहाँ पर फिर एक टो हुक दिया गया, कुछ टांग सकते हो बट फिर आपका व्यू जो है वो ब्लॉक हो सकता है, तो केयरफुल रहिए यहाँ पे। तो ये हो गया रियर सीट का हाल। हेडरूम की कोई कमी आपको नहीं होगी क्योंकि एकदम स्कूप देन ये काव करके इसे बनाया गया है, तो यहाँ पर लंबा आदमी भी होगा तो बैठ सकता है, तो कोई दिक्कत आई डोंट थिंक आपको होगी। ओके भैया जी, स्टार्ट करते हैं चलाना। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि मैकेनिकली कोई चेंज है ही नहीं, जैसे कि मैंने कहा प्लेटफॉर्म सेम है, पावर ट्रेन सेम है, दैट मीन्स अभी भी आपको 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज 3-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि टर्बो चार्ज तो है बट उसमें टर्बो की पावर अभी तक नहीं पहुंच पाई है, और इतनी ज़्यादा आवाज़ करता है वो इंजन कि यू नो यू विल फील वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि पेट्रोल इंजन भी इतनी आवाज़ करता है। चलो डीजल से तो आप उम्मीद करते ही करते हो कि डीजल में आवाज़ आएगी, बट यहाँ पर इनका पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा नॉइजी है। 3-सिलेंडर है, इनहेरेंट उसके अंदर वाइब्रेशंस हैं, कई जगह पे स्ट्रगल करता हुआ भी नजर आएगा, स्पेशली जब आप पहाड़ों वहाड़ों पे लेके जाते हो तो अनलेस यू आर ऑन द थ्रॉटल ऑल द टाइम, मतलब हमेशा पुश करोगे, थ्रॉटल पे रहोगे, एक्सेलरेट करोगे तो ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी लीनियंसी दिखाई तो वो इंजन आपको माफ़ नहीं करेगा। एक्चुअली मतलब उसमें ताकत ही नहीं आती, वोटा वोचा इंजन की एक कमी है और इनके वाले की थोड़ी सी ज़्यादा कमी है, बट एनीवे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डीजल इंजन की। अब देखिए हम ये थोड़े ख़राब रास्ते पे आते हैं ना, तब आपको टाटा की असली खूबी नज़र आती है कि राइड क्वालिटी तो भाई साहब ऐसी है कि कहीं कोई दिक्कत आपको नज़र आती ही नहीं है, मतलब आप कॉन्फिडेंटली तो कहीं पर लेके जा सकते हो। एक तो 208 है उनका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल गया, फिर राइड क्वालिटी बहुत शानदार ही देते हैं तो वो भी मेंटेन है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, इंजन इज़ द सेम। और ये इंजन जो है इनका डीजल ये ज़्यादा बेहतर है, तो जब भी मुझसे कोई पूछता है कि भैया मैं टाटा नेक्सॉन या टाटा एल्ट्रॉज ले रहा हूँ, लूँ या नहीं लूँ, तो मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि आप एक काम कीजिए, इसका डीजल वर्जन उठा लीजिए, बिना दुखी हुए आप चलाते रहोगे। हाँ ठीक है, कई लोग डीजल को लेकर थोड़े स्केप्टिकल हैं, स्पेशली दिल्ली NCR के लोग, ये 10 साल के बाद में बंद हो जाता है तो ले या नहीं ले। तो पेट्रोल आई एम स्टिल वेटिंग फॉर देयर टर्बो चार्ज्ड इंजन जो 4-सिलेंडर वाला आने वाला है, 1.2 लीटर जो उन्होंने एक्सपो में दिखाया था, वो आई थिंक कर्व के साथ में डेब्यू करेगा। तो अगर आपको पेट्रोल गाड़ी चाहिए टाटा की तरफ से तो कर्व का आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो, डीजल अगर आप सोच रहे हो जाइए, बिना सोचे समझे आप इस गाड़ी को लेकर आ सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंजन है, ताकत है इसमें, 113 BHP की पावर देता है, 260 Nm का टॉर्क देता है, 6-speed का मैनुअल गियर बॉक्स है, 6-speed का AMT भी है, AMT आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना मैनुअल इज़ वेरी गुड, काफ़ी टॉर्की है, बहुत ही लो RPM पे आपको टॉर्क मिल जाती है, लगभग आई थिंक 1500 RPM पे ही आपको पीक जो टॉर्क का जो बैंड है वो 1500 RPM से शुरू हो जाता है, क्योंकि डीजल है तो टॉर्क ही लो एंड पे होता ही होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छी है। तो मज़ा आता है इस इंजन को चलाने में, इफ़ यू वांट टू पुश इट यू कैन डेफिनेटली पुश इट, द मोमेंट इट टचेस 1500 RPM आप इसको भगाइए सा, मतलब ये भागेगा, ऐसा वाला इंजन है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि गाड़ी ऊँची है, ठीक है,
आपको ऐसा ज्यादा बाउंसी नजर नहीं आती है, जो कि ऑफकोर्स मोनोकॉक गाड़ियों में एक बात होती है, और मुझे समहाउ फील होता है कि ये थोड़ी सी बेटर हुई है ओवर द इयर्स। दैट मींस बॉडी रोल जो है वो कंपैरेटिवली काफी कंट्रोल्ड आपको इसके अंदर नजर आएगा, और अब टर्न करते वक्त भी आप थोड़ा कॉन्फिडेंट इस गाड़ी के साथ फील करते हो। द ओनली प्रॉब्लम इज दिस इंजन इज वेरी वेरी नॉइजी, बाहर से तो है ही है, अंदर भी आपको फील होता है, तो इंसुलेशन जो है वो समहाउ थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था। बट ओवरऑल दिस इज द इंजन टू गो फॉर, अगर आप टाटा मोटर्स की कोई गाड़ी ले रहे हो तो उनके डीजल इंजन के साथ में जाइए और उनके मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में जाइए, दैट विल नेवर गो रॉन्ग। इनफैक्ट 1.2 लीटर के साथ में इन्होंने DCA भी लेकर आए हैं अपना, जो कि इन्होंने एल्ट्रॉस में भी लॉन्च किया था, तो वो आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, क्योंकि वो नाम का डुअल क्लच है, बट दैट इज़ नॉट वेरी वेरी स्मूथ टू बी ऑनेस्ट। तो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था मेरे हिसाब से उस चीज़ को। सब चीज़ें अच्छी है बट इसकी ब्रेकिंग जो है ना वो थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए थी, मतलब ऐसा हार्ड लगता है बहुत ज़्यादा जब आप इसके ब्रेक को दबाओगे ना, तो एकदम हार्ड सी फीलिंग आती है। जनरली जब पुराना आपका ब्रेक हो जाता है तब जैसी वो एकदम हार्डनेस जो आती है वो उसमें आती है, वो थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। ऑल्सो जो गियर बॉक्स है, मतलब गियर शिफ्ट जो है ना, वो उतने स्मूथ नहीं है, मतलब ज़्यादा लंबा थ्रो इनके यूजली इनके गियर बॉक्सेस का होता है, वही चीज़ आपको यहाँ पे नजर आएगी। बट जब आप खराब रास्तों पे आते हो ना तो फिर आप सब भूल जाते हो टू बी ऑनेस्ट, कि आपको नजर आता है कि हाँ ठीक है, ये जो सो कॉल्ड सूडो SUVs है उसके अंदर एक गाड़ी जिसको आप एक्चुअली खराब रास्तों पे लेके जा सकते हो, एंड दिस इज द वन व्हिच डज दैट जॉब रियली रियली वेल। दैट्स इट पीपल ऑन द न्यू टाटा नेक्सॉन, जिसका कि प्लेटफॉर्म सेम है पुराने वाले के जैसे, सारे अंडरपिनिंग सेम है, नो चेंज इन द इंजन, नो चेंज इन द पावर ट्रेन, गियरबॉक्स, एसेंशियली चलाने में भी मोर लेस आपको सेम फीलिंग आएगी। हाँ ठीक है, अगर आपने एकदम शुरुआत में जब नेक्सॉन आई थी फर्स्ट जनरेशन उस वक्त अगर आपने गाड़ी चलाई और आज चलाओगे तो आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क आएगा, क्योंकि ओवर द ईयर्स इन्होंने इम्प्रूव किया है मैकेनिकली। तो अगर आपने फेस लिफ्टेड नेक्सॉन चलाई हो और आपको लग रहा हो कि देख कि चलाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा और क्या आपने गलती तो नहीं कर दी है फेसलिफ्टेड मॉडल को खरीद के, तो एक्चुअली आपने कोई गलती नहीं की है, अनलेस यू लाइक द न्यू कलर्स और यू लाइक द न्यू इंटीरियर। अगर वो नया इंटीरियर आपको चाहिए या नया लुक्स चाहिए तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपके लिए है, अदरवाइज मैकेनिकली देर इज नो डिफरेंस। बट येस, मॉडर्न हो गई है गाड़ी, थोड़ी अर्बेन हो गई है, इन दैट सेंस कि आपको नए फीचर्स मिल जाते हैं, बट फिट एंड फिनिश लेवल्स वगैरह जो है ना वो अभी भी उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। आई विश दे कुड एड्रेस देम, आई विश दे स्टिल एड्रेस देम बिफोर इसका फाइनल लॉन्च होता है। तो यही मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस हैं, अभी तक इसकी प्राइसिंग नहीं पता है, बट मोर लेस सेम रहने वाली है, बट टॉप एंड वेरिएंट डेफिनेटली ज़्यादा महंगा होगा क्योंकि काफ़ी तामझाम जो है वो आपको नया दे दिया गया है। तो यही मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल रह गए हैं तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे, और कोई शिकायत है वीडियो से तो भी लिख सकते हो, गाली बकने के अलावा जो मर्जी हो कर सकते हो। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।